Hello, good morning students, how are you all? Welcome in our English class. So in our English class, today we are going to start our poem Meadow Surprises. So what is the name of the poem? Meadow Surprises, and its poet is Louis Bradley Phillips. Is ke poet hai, aur usko shuru kiya ja sakta hai. What is the name of the poem and the poet? The name of the poem is Meadow Surprises and poet is Louis Bradley Phillips. To chaliye hum iski summary dekh lete hain, then hum book mein se read karenge. Meadows have surprises. You can find them if you look, walk softly through the velvet grass and listen by the brook. तो मीडोज में बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं, आप तब देख सकते हैं उसे अगर आप दिखना चाहें, और जब वहाँ आप वेलवेट ग्रास यानी मखमली घास पर चलते हैं, वेलवेट का मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट, तो सॉफ्ट घास पर जब चलते हैं और वहाँ खड़े होकर आप नदी यानी कि पानी के झरने की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अल्ट अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप. तो आपको ये बताया गया कि वहाँ जब मीडो सरप्राइजेस देखते हैं मीडोज में, तो आपको और क्या क्या दिखाई दे सकता है वहाँ पर. आप एक बटरफ्लाई देख सकते हैं जो कि रेस्ट कर रही होती है. बटर कप मीन्स क्या होता है, पीले रंग का फूल, जो कि एक पीले रंग के फूल के ऊपर रेस्ट कर रही होती है. किस लिए रेस्ट करती है, तो अनफोल्ड, वो अपने अनफोल्ड मीन्स फैलाना, स्ट्रॉज मीन्स पंख, जो उसके एंटीनाज होते हैं वो उसको फैला लेती है, और उसमें से क्या जो बटर कप होता है जिसके ऊपर वो बैठी होती है बटरफ्लाई, उसमें से क्या लेती है, अमृत, नेक्टर मीन्स अमृत, अमृत का रस लेती है. नेक्स्ट स्टेंज है, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल. यू मे स्केयर अ रैबिट, आप एक रैबिट को वहाँ डरा सकते हैं. क्यों, क्योंकि वो बहुत शांति से बैठा होता है. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, एट फर्स्ट हो सकता है आप उसे नहीं देखें, बट उसने तो आपको देख लिया, और आपको देखकर वो क्या करेगा, होप यानी कि कूदेगा, एकदम से उछलेगा, और जब वो उछलेगा, व्हेन ही होप्स यू विल, जब वो उछलेगा तब आप उसे देख लोगे. अ डैंडेलियन हुज फजी हेड वॉज गोल्डन डेज अगो. अ डैंडेलियन, डैंडेलियन मीन्स क्या होता है, टाइप ऑफ येल्लो फ्लावर, एक टाइप का पीले रंग का फूल, जिसके फर लाइक जैसे पैराशूट होता है वैसा फूल होता है, जैसे आपको यहाँ पिक में दिखाया गया है. वॉज गोल्डन डेज अगो, कुछ टाइम पहले वो कौन से कलर का होता है, गोल्डन पीले रंग का होता है.
has turned to airy parachutes that flutters when you blow. और जब आप फूंक मारते हैं तो वो पैराशूट की तरह फ्लटर यानी फड़फड़ाने लग जाते हैं. पैराशूट तो आपने देखे होंगे जो स्काई में घूमते हैं. Explore the meadows, houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mounds. Explore means होता है सर्चिंग करना, खोजना. तो आप खोजिए, देखिए वहां जाकर कि मीडो यानी घास के मैदान में कितने सारे घर होते हैं, कितने बिल होते हैं जो ग्राउंड में होते हैं. अ नेस्ट और ग्रास के नीचे घोंसले बने हुए होते हैं. बीनीथ मीन्स नीचे. द आंट्स अमेजिंग माउंट. माउंट मीन्स होता है हीप यानी ढेर. और आंट्स का यानी चींटियों का इतना प्यारा ढेर लगा होता है वहां पर. अगर आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से सर्च आउट कर लेंगे. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. Oh, कितने surprises हैं meadow में. अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है तो जाइए, चलिए आप उसे discover यानी खोजिए, search कीजिए अपने आप. If you look and listen well, अगर आप अच्छे से देखते हैं और उनको सुनते हैं तो आप अच्छे से उनके बारे में और भी ज़्यादा surprises ढूंढ लेंगे. तो ये थी हमारी पोएम. तो चलिए बेटा पोएम के अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट करती हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट. तो क्या नेम है पोएम का? मीडो सरप्राइजेस. एंड पोएट कौन है? लुइस ब्रैंडेंट फिलिप्स. सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीडोज हैव. मीडोज में क्या है? तो आंसर इज मीडो हैव सरप्राइजेस. तो चलिए आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे. इसमें राइमिंग वर्ड्स बताइए कौन से लगते हैं. फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट में कौन से हैं? लुक, ब्रू. सेकंड में आप कौन सा कह सकते हैं? बटरकप और अप. और थर्ड एंट्री में कौन से हैं? स्टिल, विल, अगो, ब्लो. तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स जिसको बोलने में ही सेम साउंड निकलती है. नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि हाउ इज द रैबिट सिटिंग. रैबिट कैसे बैठा है? तो यहाँ देखिए इसका आंसर, रैबिट इज सिटिंग वेरी स्टिल. ओके, बिल्कुल शांत बैठा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज अ डेंडिलियन. तो डेंडिलियन क्या होता है? डेंडिलियन इज अ टाइप ऑफ येलो एंड वाइल्ड फ्लावर जो जंगलों में उगता है. तो चलिए यहाँ मुझे बताइए कि वेयर इज द नेस्ट. नेस्ट कहाँ है? तो आंसर देखिए थर्ड लाइन में लिखा है, द नेस्ट इज बीनीथ टॉल ग्रासेस या अंडर टॉल ग्रासेस यू कैन राइट ऑल्सो. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पुट करती हूँ कि व्हाट डू मीडोज हैव. तो मीडोज हैव सरप्राइजेस आपने पहले बताया, तो व्हाट कैन वी डिस्कवर अबाउट मीडोज. तो क्या हम डिस्कवर कर सकते हैं मीडोज के बारे में? वी कैन डिस्कवर द सरप्राइजेस दैट मीडोज हैव टू ऑफर. यानी जो हमने पहले कभी नहीं देखा, अगर हम बड़े ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, मीडोज में जाते हैं, देखते हैं मखमली घास के ऊपर चलकर, तो हम उसके सरप्राइजेस डिस्कवर कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ हमारा टॉपिक, हमारी पोएम्स खत्म होती है. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.